हेलो दोस्तों, कैसे हो? कुकिंग विद राखी में आज आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों आपके लिए बनाने जा रही हूँ बेसन वाले हरे प्याज की पत्ते की सब्जी। हमारे इस तरह से हमने फ्रेश हरी प्याज ले ली है। मैंने एक गांठ अच्छी भरी हुई मार्केट में आती बनती बनाई इसकी एक गांठ ली है। आपका रेशो घर में अगर मेम्बर ज़्यादा है तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बन के ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि कोई भी भाजी आपको पता है खूब दिखती है लेकिन बन के कम हो जाती है। तो अपने घर के मेंबर के हिसाब से रेशो लें आप। ये इस तरह से हरी प्याज लगी रहती है इसमें, इस तरह से इसको मैंने धो ली, देखिए चमक भी रही है। मुझे भी इसको काटना है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में लगने वाली अपनी सब्जी है। इसमें मैंने दो टमाटर लिए हैं, गार्निशिंग के लिए धनिया लिया है, सूखी लाल मिर्च ली है, आपका हरी मिर्च ली है, और मैंने इसमें जो अपनी आजकल हरे हरे पत्तों वाली लहसुन की गांठ आ रही ना, तो मैंने पत्ते यूज कर लिए, उसकी जो गांठ है लहसुन है उसको आज मैं सब्जी में यूज कर रही हूँ। अदरक का टुकड़ा लिया है, फ्रेश हरी धनिया, और इसमें खास लगने वाला है बेसन मैंने लिया है। और दोस्तों मेरी इसमें हींग लगेगी और नमक तेल ये सब सामान लगेगा अपना। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं अपना प्याज के पत्ते काट लूँ। ये प्याज हमारी इसके आगे वाली जितनी आप काट सकते काट लीजिए, बाकी ये आपके खाने में सलाद के रूप में काम आएगी या कुछ आप और चीज़ें बनाते हैं उसमें काम आ जाएगा। तो इस तरह से आज हम बनाएंगे प्याज के पत्तों वाली, बेसन वाली प्याज के पत्तों की सब्जी दोस्तों। तब तक मैं कढ़ाई ऑन करके अपना गैस ऑन करके कढ़ाई अपनी चढ़ा देती दोस्तों। मैंने गैस ऑन करके अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है। जब तक ये दोस्तों गर्म हो रही है मैं अपने प्याज के पत्ते काट लूँ, मेरी सब्जी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों मैंने अपने स्प्रिंग ऑनियंस अपनी इस तरह से हरी प्याज को काट ली है दोस्तों। देखिए इस तरह से, इसको ज़्यादा बारीक मत करिए, ये ऐसे ही अच्छी लगेगी, ज़्यादा बारीक कर देंगे तो उतनी अच्छी नहीं लगती। बेसन मैंने ले लिया है, खास इंग्रेडिएंट्स मेरा आज इसका है बेसन वाली प्याज के पत्तों की सब्जी, इसको स्प्रिंग ऑनियन भी कहते हैं दोस्तों। इस तरह से मैंने लहसुन के जो गांठ वाले लहसुन थे वो काट लिए। आज मुझे छीलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, लहसुन मेरे पास अदरक बहुत कम है, मैंने ज़रा सा लिया है। दो हरी मिर्ची है, लाल सूखी लाल मिर्च, दो टमाटर, धनिया, और गार्निशिंग के लिए धनिया लिया है, और हींग लिया है दोस्तों। दोस्तों हींग लिया है मैंने। इस तरह से मैंने प्याज के पत्ते काटते समय अपना गैस ऑन करके कढ़ाई को चढ़ा दिया था। मेरी कढ़ाई की फ्लेम, अब मेरी कढ़ाई बहुत गर्म है तो मैंने इसको उसका फ्लेम लो कर दिया है। मैंने यहीं पे 4 चम्मच अपने हिसाब से तेल ले रही हूँ, कम ज़्यादा आप कैसा भी ले सकते हैं, मैंने 4 चम्मच लगभग लिया है। यहीं पे मैं इसमें थोड़ा सा अपना हींग डाल दूँगी दोस्तों अपनी सब्जी में, और थोड़ा सा मेरे को एक सीक्रेट मसाला है मैं बाद में बताऊँगी। हमारे यहाँ गाडरवारा MP में बेसन वाली प्याज की पत्तों की सब्जी बनती है, सिर्फ एक छोटा सा ऐसा मसाला डलता है जो टेस्टी बनाता है इसको। मेरा तेल कढ़ाई गर्म होने के कारण गर्म हो चुका है, तो यहीं पे मैं 1 चम्मच के लगभग अपना राई डाल दूंगी, 1 चम्मच के लगभग जीरा डाल दूंगी दोस्तों। इसमें मैं सूखी लाल मिर्च जो मैंने 4 ली है वो डाल दूंगी। भाजियों में ये बहुत अच्छी लगती है, अगर आपको नहीं डालना है तो इसको स्किप कर सकते हैं आप। इस तरह से मैंने इसको तोड़ के रफली डाल दिया है और इस तरह से चला लिया है। मैंने तेल में हींग, राई, जीरे और लाल मिर्ची डाली है अभी, ये मेरा थोड़ा तड़क जाए दोस्तों। यहीं पे मैं थोड़ा सा अपना जो लहसुन मैंने काटा था वो मैं इसमें डाल दूंगी। बाकी मैं लहसुन अपना एक सीक्रेट मसाला उसके लिए रखूंगी दोस्तों इसमें डालने के लिए। यहाँ देखिए दोस्तों इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देगी ये, अभी थोड़ा सा भूंजेगा ये। यहीं पे दोस्तों 1 बड़ा चम्मच के लगभग अपना कश्मीरी मिर्च पाउडर भी डाल दूंगी इसमें, गैस की फ्लेम मेरी लो है बिल्कुल। यहीं पे मैं अपना टमाटर भी ऐड कर दूंगी, हरी मिर्ची भी ऐड कर दूंगी, थोड़ी सी मैं अदरक भी कर दूंगी, मेरे पास अदरक का ज़्यादा नहीं है, इसमें अदरक डालिए बहुत अच्छी लगती है भाजियों में। इस तरह से देखिए हमारी दोस्तों भाजी कितनी अच्छी लग रही है, आप खुद देखिए दोस्तों।
से लाल लाल की तरह। यहीं पे मैं थोड़ा सा आधा 1/4 स्पून हल्दी पाउडर भी डालूंगी इसमें, आधा चम्मच के लगभग। और अपनी सारी भाजियों को अपनी इस पे ही मैं सजा दूंगी, इस तरह से पूरी भाजियों को मैं बहुत अच्छे से सजा दूंगी। हरी भाजियों का जल्दी बनाने का ये बहुत अच्छा ट्रिक है दोस्तों। इस तरह से मैंने आज कांसे की थाली में अपनी भाजी काटी दोस्तों। ये मेरे पास रखी थी, मैं इसे इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन मुझे लगा करना चाहिए। हम नए बर्तनों की ओर आकर्षित होते हैं, हमारे पुराने बर्तन भी बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। इस तरह से मैंने पूरी भाजी को सजा दिया है और अभी इसमें थोड़ा सा यहीं पे मैं स्वादानुसार नमक भी ऐड कर दूंगी दोस्तों। कम रखें नमक, भाजियों में नमक बहुत ज़्यादा हो जाता तो अच्छा नहीं लगता खाने में। और इसको थोड़ी सी मैं इसमें सूखी धनिया पाउडर भी 1 चम्मच यहीं पर डाल दूंगी दोस्तों। गरम मसाला भी मैं इसमें ऐसे ही ऊपर डाल दूंगी और मैं अपनी पूरी भाजी को इसमें कवर कर दूंगी दोस्तों अभी। और मेरी भाजी को मैंने जरा भी हिलाया डुलाया नहीं है दोस्तों, देखिए आप खुद देखिए, ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएगी। मैंने गैस का फ्लेम हाई कर दिया है अभी, पर थोड़ा सा नज़र रखते हुए बनाए सब कुछ जल ना जाए। दोस्तों मैं अपना कढ़ाई का ढक्कन खोल के देखती हूँ, मैंने गैस की फ्लेम लो कर दी है और देखिए हमारी सब्जी भाप कैसी सब्जी की निकल रही है। और इसका पानी मैंने इसी भाजी में डाल दिया अपने प्याज के पत्तों वाली में। और इस तरह से देखिए दोस्तों, हमने बिल्कुल भाजी को फैला दिया था और नीचे हमारे सामान थे सारा, टमाटर, लहसुन, अदरक, मिर्ची। और ये सब्जी देखिए बनके दोस्तों कितनी कम हो गई, हमने कितनी भर के कढ़ाई रखी थी इसके अंदर, प्याज की पत्ती ढाक दी थी। और ये इस तरह से सब भाजियों का एक एक प्रकार से तरीका होता है कि ये कम हो जाती है। हमारी भाजी इस तरह से हो गई है तो दोस्तों मैं यहीं पे अपना बेसन मिलाऊंगी दोस्तों। अब मुझे जितना लगेगा चम्मच, 2 चम्मच 3 6 चम्मच मीडियम साइज के मैंने अपना बेसन डाल दिया इसमें दोस्तों। अगर मुझे और लगेगा तो मैं इसमें और ऐड करूंगी और इस तरह से इसको मैं चला दूंगी। आपको जैसा लगता है बेसन का रेशो आप कम ज़्यादा आप कर सकते हैं दोस्तों, उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है बेसन थोड़ा और लगेगा तो मैं इसमें 2 चम्मच बेसन, 2 से 3 चम्मच के लगभग बेसन पूरा डाल देती हूँ इस तरह से दोस्तों। देखिए हमारी सब्जी, देखिए दोस्तों कितनी अच्छी लग रही है। और यहीं पे मैं अपना थोड़ा सा धनिया भी सब्जी में डालूंगी, भले ही हरी भाजी प्याज के पत्तों की है लेकिन मैं धनिया का फ्लेवर भी इसमें रखूंगी। धनिया हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, थायराइड वालों के लिए भी धनिया हरी पत्ती बहुत फ़ायदेमंद होती है, बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसे ऐसे यूँ ही नहीं समझे कि ऐसी सब्जी है, इसको हर चीज़ में आप इस्तेमाल करें। इसको मैं अभी ढक्कन का लीड लगा देती हूँ दोस्तों। दोस्तों इसमें ही हमारा सीक्रेट एक मसाला है जिसमें मैं डालूंगी तो सब्जी का फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। मैंने जो अपने लहसुन कटे हुए लिए थे ये मैंने पटा बेलन ले लिया, ये तरीका मुझे गाडरवारा में सबको ज़्यादा अच्छा लगता है। पटा बेलन में ही इसको कूट के पीस के जैसे भी वो डालते हैं यहाँ पर सब अधिकतर घरों में, तो मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है तरीका। और मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक ले लिया है दोस्तों और मैंने हींग ली है दोस्तों। इसमें दोस्तों अपने हिसाब से मैंने पिंच हींग ली है और इसमें 2 चम्मच के लगभग अपना धनिया पाउडर डाला है मैंने, लगभग 2 बड़े चम्मच के लगभग। और इसको मैं इस तरह से पटे में ही इस तरह से पीस लूँगी दोस्तों। जब हमारी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी ना दोस्तों तो मैं इसको उसमें डालूंगी तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से हम इसको धनिया के साथ पीसते हैं। वैसे ही मैंने आपको बताया धनिया खड़ी हो चाहे सूखी हो ये थायराइड के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये हमारा बहुत अच्छी एक सब्जी है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है दोस्तों, देखिए आप।
इस तरह से हम इसको बिल्कुल पीस लेंगे दोस्तों। वैसे तो ये छिलके वाले लहसुन के भी बनते हैं, लेकिन अभी हमारे ठंड के दिनों में ये हरी पत्तियों वाले लहसुन आ रहे हैं, तो मैं इसी को इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। इस तरह से मेरा ये मसाला मैंने तैयार करके रख लिया है, तो मेरी सब्जी बन जाए। मैं सोच रही थी आज आप दोस्तों के साथ में ये सीक्रेट भी शेयर करूं। ये सब्जी खाने में बहुत दोस्तों, हमारा हमने मसाला तैयार कर लिया है। हरी खड़ी धनिया पाउडर, लहसुन अदरक और आपका हींग, ये हमारा सीक्रेट मसाला है जो सब्जी बनने के बाद मैं डालूंगी। इसके भाप के पानी को मैंने इसी में डाल दिया है दोस्तों। अब हमारी सब्जी को मैंने गैस का फ्लेम इस तरह से मैं चलाऊंगी दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारी सब्जी कितनी अच्छी लग रही है, लाल पीली हरी। हमने इसमें हरी धनिया भी डाली है, हालांकि वैसे ही हरी है, लेकिन हरी धनिया का स्वाद अपना अलग एक महत्व रखता है सब्जियों में। दोस्तों मेरी सब्जी होने वाली है। दोस्तों आपको लगता है कि आपका बेसन कढ़ाई में थोड़ा चिपक रहा है, तो ऐसा हल्का सा आप पानी का ऐसा ये दे सकते हैं छींटे इसमें, तो ये बेसन आपका जलेगा नहीं और सब्जी हमारी अच्छी पकती रहेगी। बस थोड़े 5 मिनट सब्जी हमारी बन के तैयार है दोस्तों, सब्जी को जलने मत दीजिए। दोस्तों मैंने गैस की फ्लेम लो कर दी है और कढ़ाई का ढक्कन खोल के देख रही, इसका भाप का पानी मैं इसी में डाल देती हूँ, गर्म गर्म है, ये सब्जी को जलने से बचाता है दोस्तों। ट्रिक है, कोई भी अगर सब्जी आपकी जलने वाली है तो उसमें थोड़ा पानी के छींटे मार दें तो सब्जी जलने से बच जाएगी आपकी दोस्तों। इस तरह से दोस्तों देखिए हमारी सब्जी बन के तैयार है, गैस की फ्लेम मेरी लो है। यही मैंने जो अपना सीक्रेट मसाला तैयार किया था मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पूरा। गाढ़ा वाला साइड में पट्टे बेलन में ही इसके सीक्रेट को तैयार किया जाता है, मेरी भी आदत में है, मुझे तो अच्छा लगता है। और इस तरह से दोस्तों देखिए हमारा जो सीक्रेट मसाला डला है, इसके कारण ये सब्जी बहुत खाने में अलग स्वादिष्ट लगती है पूड़ी के साथ। दोस्तों मेरी सब्जी बन के तैयार हो गई है, मैं अपना गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर देती हूँ। और इस तरह से देखिए दोस्तों हमारी सब्जी कितनी अच्छी बन के तैयार हो गई है, मैं इसको बाउल में सीधे निकाल रही हूँ। दोस्तों यहीं पे मैंने अपनी सब्जी मेरी बनके देखी है दोस्तों, कितनी अच्छी तैयार हो गई है। मेरी सब्जी से गरम गरम भाप ही निकली, मैंने कढ़ाई से बिल्कुल एकदम निकाली। यहीं थोड़ी सी मैं हरी धनिया की इसमें गार्निशिंग ऐसी कर देती हूँ। और यहाँ दोस्तों मेरे हरे प्याज की पत्ते की सब्जी, दोस्तों मेरे हरे प्याज की के पत्ते की सब्जी बन के तैयार हो गई है। यहीं पे मैं इसको फ्रेश हरी धनिया लगा देती हूँ दोस्तों। देखिए लाल मिर्च जो हमने डाली थी, ये सब बहुत अच्छी सब्जी बन के तैयार हुई है। तो मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज गाडर बारा की हरे प्याज के पत्ते बेसन वाली का स्वादिष्ट का आनंद लीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय, जय हिंद।